दोस्तों आज इंडिया में 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है, लेकिन 98% वेबसाइट गलत बनी है। वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं होती, उन वेबसाइट में प्रॉपर फीचर्स नहीं है जो बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इनफैक्ट उन वेबसाइट से बिल्कुल भी सेल्स नहीं आती, वो खाली एक नाम की वेबसाइट बनी हुई है और उसका कोई काम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक परफेक्ट वेबसाइट बनाना बताऊंगा अपने बिजनेस के लिए, जिससे आप अपने बिजनेस को तेजी से ऑनलाइन लेके आ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक फीचर्स बताऊंगा जो एक वेबसाइट पे होना बहुत जरूरी है। हम अंदर से जानेंगे कि एक्चुअल में वेबसाइट का काम क्या होता है और किस तरीके से कम खर्चे में एक परफेक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चीज जानते हैं आखिर में एक वेबसाइट का काम क्या होता है। काम अगर आपको समझ आ जाएगा, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, तो आपको पता हो जाएगा कि वेबसाइट से हमको करवाना क्या है, किस तरीके की वेबसाइट हमको चाहिए। एक वेबसाइट का 5 इंपॉर्टेंट काम होता है जिससे आपका बिजनेस तेजी से ऑनलाइन ग्रो होता है। सबसे पहला काम होता है नए कस्टमर्स को लेके आना। जो कस्टमर्स आपके बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उनको आपके बिजनेस तक के लाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कस्टमर को एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देना, कि भाई जहाँ पे भी है वो अपने घर में बैठे है तो इजीली कम क्लिक्स के अंदर वो आपका पूरा बिजनेस देख ले, आपके प्रोडक्ट को इजीली सेलेक्ट कर ले। वेबसाइट का तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है डेटाबेस ट्रैकिंग करना। डेटाबेस का मतलब होता है आपके कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि उनका नाम क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, उनकी ईमेल एड्रेस क्या है, उनका लोकेशन क्या है, वो किस प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है, किस तरीके के प्रोडक्ट वो पहले खरीद चुके हैं, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है आपके ग्राहक के बारे में जितना हो सके उतनी ज़्यादा जानकारी होना। और इसके बाद एक वेबसाइट का चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रस्ट जनरेट करना। एक वेबसाइट होने का सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि आप घर में बैठे बैठे किसी और शहर में बैठे हुए आदमी का ट्रस्ट गेन कर सकते हो, और ये ट्रस्ट आपके बिजनेस को लॉन्ग टाइम ग्रो करने पे बहुत मदद करता है। और एक वेबसाइट होने का पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे जाए। आप चाहते हो ना कि आप सोते सोते भी ऑनलाइन पैसा कमाओ, वो चीज़ें वेबसाइट से ही हो सकती है, क्योंकि वेबसाइट एक ऐसी ऑनलाइन दुकान होगी जहाँ पे लोग आएंगे, ऑटोमेटिक इंटरेक्ट करेंगे, आपके बिजनेस के बारे में देखेंगे और आपसे ज़्यादा बातचीत किए बगैर वो डायरेक्ट वेबसाइट से ही प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो हम ऑटोमेशन चाहते हैं अपने बिजनेस का। आप मानिए ना मानिए, इस दुनिया में हर इंसान जो बिजनेस कर रहा है वो चाहता है कि उस बिजनेस से वो अलग हो और ऑटोमेट करे उस बिजनेस को, ताकि वो बिजनेस अपने आप चले और आपके सोते सोते भी आपको पैसा आते रहे। तो अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो उस वेबसाइट पे ये पांचों फंक्शंस का होना, ये पांचों फीचर्स का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उस वेबसाइट का पर्पस ही पूरा नहीं होगा। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ये पांचों फंक्शंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो इन फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट पे। सरल भाषा में बोलूं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बिजनेस के लिए परफेक्ट वेबसाइट बना सकते हैं जो आपके बिजनेस को एक्चुअल में ग्रो करेगी। पता ही होगा इंडिया में आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्टअप्स इंडिया में नहीं सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, जैसे फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ये सारी कंपनियां सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। आपको पता है ये क्यों? इंडिया में बिजनेस के ऊपर टैक्स 32% से लेकर के 35% तक का है, और आपको पता है सिंगापुर में ये सिर्फ 17% है। और तो और कंपनी बनाना और कंपनी के कंप्लायंस पूरे करना भी काफी आसान है। आप लिटरली घर बैठे बैठे सिंगापुर में कंपनी बना सकते हो और घर बैठे बैठे पूरे कंप्लायंस भी फुलफिल कर सकते हो। तो अगर आपको भी स्मार्ट बनना है, आपको भी सिंगापुर में कंपनी रजिस्टर कराना है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ऑसम नाम की कंपनी है जिससे आप घर बैठे बैठे इंडिया से सिंगापुर में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और सारे कंप्लायंस सारी चीजें इससे मैनेज कर सकते हैं। ये आपकी कंपनी के लीगल और अकाउंटिंग वर्क भी पूरा संभाल लेंगे। सिर्फ ये नहीं, आपका बैंक अकाउंट और आपकी कंपनी की पूरी पेपर फॉर्मेलिटीज करने पे भी ये मदद करेंगे। ऑसम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हूं। हमारी लिंक से जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्विस मिलेगी। इनफैक्ट आपको अकाउंटिंग और बुककीपिंग सर्विस पे 17% का डिस्काउंट भी एडिशनली मिलेगा। तो हम थे इन 5 वेबसाइट के फंक्शंस में, और मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हो, क्योंकि भैया वेबसाइट है इसीलिए ताकि ये बाहर से लोग आपके पास आए। ये जितने भी पॉइंट मैं आप सभी को बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करके रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप वेबसाइट का डोमेन रजिस्टर कर रहे हो तो ऐसा डोमेन रजिस्टर करो जो कि आपके बिजनेस से मिलता जुलता है, ताकि जो भी कस्टमर आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में गूगल पर सर्च करे, गूगल आपके डोमेन नेम को ये देख के समझ जाए कि हाँ आप इस पर्टिकुलर सर्विस पे काम करते हो। तो जो डोमेन नेम होता है, मतलब www.xyz जो भी इन लोग नाम रखते हैं, .com होता है, वो नाम ऐसे रखना है जो आपके बिजनेस और आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता हो, जिसको कस्टमर्स गूगल पे सर्च कर रहे हो। इनिशियल स्टेज में ये सर्च इंजन पे बहुत ज्यादा मदद करता है और आपके बिजनेस को तेजी से गूगल के ऊपर लाने पे मदद करता है। दूसरी चीज, आपको अपनी वेबसाइट पे ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO करवाना पड़ेगा। इसका ये मतलब होता है कि जितने भी कीवर्ड्स है जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं,
उसको आप कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट पर डाल के रखते हैं ताकि गूगल को ये साफ साफ पता चल जाए कि आपका बिजनेस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी पे वर्क करता है। अब गूगल को मालूम रहेगा जब भी, तो गूगल बताएगा, और गूगल को बताने के लिए हमको ये कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पर डलवाना पड़ता है, हर एक आर्टिकल हर एक ब्लॉग में डलवाना पड़ता है। इसी को ही कहते हैं ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज की ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे एक ब्लॉग रखना बहुत जरूरी है। ब्लॉग सेक्शन क्या होता है? ब्लॉग्स में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स डालते हो। आर्टिकल क्या होता है? कंटेंट होता है, लिखा हुआ आर्टिकल होता है जिसमें आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ के उसमें आप ब्लॉग लिख देते हो जो आपके कस्टमर्स जनरली सर्च करते हैं। होता ये है कि जनरली ब्लॉग जो है वो कस्टमर के लिए वैल्यू का काम करता है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, अगर आपका ब्लॉग उस पर्टिकुलर कीवर्ड को हिट करता है तो आपका ब्लॉग सबसे ऊपर आ जाएगा गूगल पे। जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है वो आएगा, वो ब्लॉग पूरा पढ़ेगा, और अगर आपका कंटेंट अच्छा लगा, लिखा हुआ आपका ब्लॉग आर्टिकल अच्छा लगा, तो हो सकता है वो आपकी वेबसाइट पे भी आए, मेन सर्विसेज पे भी आए, या जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसको भी खरीद लिए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने वेबसाइट पे गूगल का जियो टैगिंग को एनेबल करना होगा। अब एक बार सपोज आपकी वेबसाइट बन गई तो आपको गूगल पे लिस्ट करवाना होता है अपनी वेबसाइट, वो गूगल ऑटोमेटिकली नहीं देख लेता कि आपकी वेबसाइट है। तो आपको गूगल सर्च कंसोल पे जा करके अपनी वेबसाइट को या अपने वेबसाइट के पेजेस को रजिस्टर करना पड़ता है ताकि गूगल को समझ आ जाए कि ओके इस कैटेगरी पे ये आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट है। अब ट्रैफिक के बाद दूसरे सबसे बड़े पॉइंट पे आते हैं। आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ऑनलाइन आए और लोगों को जितनी हो सके सुविधा मिले, यानी कि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अच्छा एक्सपीरियंस होगा जब ही लोग प्रेफर करेंगे ऑनलाइन खरीदना, ऑनलाइन आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करना, और आपका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो होगा। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा तो लोग क्या, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो भी हो सकता है ना, फिर भी आपके पास लोग नहीं आएंगे और आपका बिजनेस स्ट्रगल करेगा। और इसीलिए मैं आपको सबसे पहली टिप दूंगा कि अपनी वेबसाइट एकदम सिंपल बनाएं। जब आप चालू कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेबसाइट नहीं बनाओ। कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाने से क्या होता है, आगे वाले कस्टमर को समझ ही नहीं आता है कि आप क्या बेच रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कौन से कीवर्ड को फोकस कर रहे हो। आपको सबसे पहले एकदम सिंपल वेबसाइट बनाना है ताकि बस लोग देखें आए और उनको ये समझ आ जाए कि आप किस डोमेन पे काम कर रहे हो। एकदम प्लेन, एकदम सिंपल। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप एक स्मूथ वेबसाइट बनाते हो तो आपको CDN को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी होता है। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्लाउडफेयर नाम की एक कंपनी है जो एक बहुत अच्छा CDN है, ताकि आपके लोकेशन के लोग जब भी आपकी वेबसाइट को सर्च करें तो उनके पास डेटा बहुत तेज़ी से आए। नहीं तो जनरली सर्वर्स जो रहते हैं वो US में रहते हैं और इंडिया के बाहर वाली कंट्रीज में रहते हैं, वहाँ से जब डेटाबेस आता है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो CDN क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है इंडिया में। भले आपका सर्वर है सपोज USA में, लेकिन जो भी डेटा है उसको वो मुंबई में स्टोर करके रखता है। और सपोज इंडिया के अंदर अगर कोई सर्च करता है तो उनको डेटाबेस फास्ट मिलता है, जिससे वेबसाइट जल्दी खुलती है। इसीलिए अपनी वेबसाइट पे CDN को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। क्लाउडफेयर बहुत अच्छा CDN और फेयरफर्स्ट भी है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है ना तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा करना होता है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर ग्राहक आया आपकी वेबसाइट पे और देखा कि यार उसको कुछ चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, मतलब आप वेबसाइट पे ही अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो अपने बिजनेस को, तो यार वो वहीं से ही चले जाएगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन के लिए एक छोटी स्मॉल वीडियो हेडर सेक्शन पे होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे ऊपर में एक वीडियो आ जाती है। लोग है ना वो पढ़ते कम हैं और देखते ज़्यादा हैं, सुनने में भी बिलीव करते हैं। तो अगर आप एक वीडियो रखोगे ना तो कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा वो सबसे पहले वीडियो देख लेगा, आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस को अच्छे से देख लेगा, और उसके बाद समझ जाएगा कि आप किस डोमेन पे काम कर रहे हो। वो इजीली आपका कस्टमर बन सकता है। और इसके अलावा आखिरी पॉइंट जो एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा होता है वो है, जब भी आप अपना टाइटल लिख रहे हो अपनी वेबसाइट पे, जो भी आप मेन अपनी सर्विस लिख रहे हो, जो मेन हेड सेक्शन पे जो आप लिखते हो टाइटल, वो बहुत छोटा और एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, जिससे कस्टमर को समझ आ जाए एकदम कम शब्दों में। बहुत ज़्यादा आपको भरना नहीं है हेडर सेक्शन में, बहुत सारी लाइंस नहीं लिखना है, 3-4 वर्ड का एक सेंटेंस लिखना है जिसके अंदर लोगों को पता चल जाए कि आप क्या काम करते हो। अब भाई एक्सपीरियंस के बाद एक वेबसाइट का तीसरा सबसे बड़ा काम होता है डेटाबेस कलेक्ट करना कस्टमर्स का। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो गूगल पिक्सल फेसबुक पिक्सल को पहले ही अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर दो। ये क्या होते हैं, जो गूगल और फेसबुक पिक्सल होते हैं ये बेसिकली कोड बेस होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे डलते हैं हेडर सेक्शन पे। आप मान लो कि जैसे ही आप इस कोड बेस को अपनी वेबसाइट पे डालते हो तो आपकी वेबसाइट पे कैमरा लग जाता है, एक वर्चुअल कैमरा लग जाता है, जिससे गूगल और फेसबुक आपकी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल को अच्छे से ट्रैक करते रहते हैं। जब भी आपने देखा होगा ना, जब भी आप अमेज़ॉन या किसी भी बड़ी वेबसाइट पे जाते हैं, एक बार आप प्रोडक्ट को खोलते हैं, फिर आप कोई भी सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको बार बार उन प्रोडक्ट्स की ऐड आना शुरू हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो तो उनका जो पिक्सल है गूगल का या फेसबुक का, वो आपको देख लेता है।
और वो गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको बार बार ट्रैक करता है और बार बार आपको उस प्रोडक्ट की फोटो दिखाता है। अब इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है गूगल एनालिटिक्स को लगाना। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, एग्जैक्ट डेटा दिखाता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए, कितने टाइम तक के लोग रुके, और जितने भी नंबर्स हैं जो आपकी वेबसाइट के यूज़र से रिलेटेड है, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आपकी वेबसाइट के साथ, ये सारी चीज़ें गूगल एनालिटिक्स आपको बताता है। इसका भी सेम एक कोड बेस आता है, आप जाएंगे गूगल एनालिटिक्स में तो वहाँ पर आपको एक कोड कॉपी करना पड़ेगा और उस कोड को अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा जब आपकी वेबसाइट रेडी होगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के डेट में ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का विजिट लगाना है, मतलब चैट करके व्हाट्सएप का एक सेक्शन देना है जहाँ पे कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे व्हाट्सएप का आपने देखा होगा एक लोगो जैसा होता है, जिसको कोई भी दबाता है तो आपके कस्टमर सपोर्ट के पास आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में सबसे ईजी तरीका है डेटाबेस लेने का, लोगों को व्हाट्सएप पे बुलाओ। अब डेटाबेस के अलावा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक वेबसाइट का, वो होता है ट्रस्ट जनरेट करना। मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बता रहा हूँ जिसको अगर आप अपनी वेबसाइट पे रखेंगे तो आपकी वेबसाइट पे लोग बहुत ईजिली ट्रस्ट करेंगे और तुरंत आपके कस्टमर बन जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी ग्राहक को कन्वर्ट करने पे। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ऊपर पे फीचर्ड इन सेक्शन रखना है, जहाँ पे भी आपका बिजनेस पहले फीचर हुआ है या फिर आपका कोलैबोरेशन हुआ है आप उस सेक्शन पे ला के रख सकते हो। आपने ये फीचर्ड सेक्शन पहले भी काफी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट पे देखा होगा, यहाँ पे शो होता है कि आपकी कंपनी को पहले और कौन सी कंपनियों ने फीचर किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, दिखाया हुआ है या आपके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, इससे ना यूजर्स के ऊपर एक ट्रस्ट बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रस्ट गेन करने के लिए क्लाइंट्स का टेस्टिमोनियल होना बहुत जरूरी है, क्लाइंट्स और कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल होना बहुत जरूरी है। टेस्टिमोनियल मतलब होता है क्लाइंट का बनाया हुआ एक वीडियो जहाँ पे क्लाइंट आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके बिजनेस के कारण उसको बेनिफिट हुआ। तो ये क्या होता है, ये जब भी आपकी वेबसाइट पे जाता है और लोग बाकियों के टेस्टिमोनियल देखते हैं तो उनको ट्रस्ट होने लगता है कि हाँ भाई आपने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, उनके लिए भी करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। SSL सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है बताऊँ, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे ऊपर जो डोमेन नेम लिखा रहता है उसके ऊपर ताला बना रहता है, एक लॉक जैसा साइन बना रहता है। ये बेसिकली डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है। जब किसी वेबसाइट पे सर्टिफिकेट नहीं होता तो उनके डोमेन के सामने कुछ ऐसा दिखता है, इसका ये मतलब होता है वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है। और जिन भी वेबसाइट पे सर्टिफिकेट होता है उनका एक लॉक का निशान आ जाता है। ये सर्टिफिकेट इजीली आप ऑनलाइन खरीद सकते हो और अपने डेवलपर को बोल के अपनी वेबसाइट पे लगवा सकते हो। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी वेबसाइट पे ट्रस्ट गेन करने के लिए, अपने वेबसाइट पे हमेशा स्टैटिस्टिक्स रखना, स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ योर कंपनी। मतलब भले ही आप प्रोडक्ट बेचो, भले ही आप सर्विस बेचो, लेकिन जब आप लोगों को नंबर्स दिखाते हो ना कि अभी तक के आपने कितने ऑर्डर्स डिलीवर किए, आपने कितने क्लाइंट्स को अटेंड किया, आपकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आती है, आपकी टोटल कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, मतलब जो भी स्टैटिस्टिक्स है, जो भी नंबर्स है, जो आप सोचते हैं कि हाँ ये लोगों को दिखाया जा सकता है और लोगों को ये दिखाएंगे तो उनको एक ट्रस्ट होगा आपके ऊपर, कितना अवार्ड्स आपने अभी तक के विन किया है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि अभी तक के कितने लर्नर्स हैं हमारी वेबसाइट पे, कितने हमको अवार्ड्स मिले हैं, टोटल कितने व्यूज़ हैं हमारे वीडियोज़ में, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टैटिस्टिक्स पर मिल जाएगी, वहाँ से भी ट्रस्ट गेन होता है। पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी वेबसाइट पे हाई क्वालिटी फोटोग्राफी होनी चाहिए। मतलब वेबसाइट बनवानी है लेकिन फोटोग्राफी वही पुरानी वाली, एडिटिंग वही पुरानी, मज़ा नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप वेबसाइट बना रहे हो सटल बनाना, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी फोटोग्राफी रखना अगर आप किसी की भी फोटोग्राफ रख रहे हो तो, जो अच्छा दिखेगा ऑनलाइन वो अच्छे से बिकेगा। छठवीं इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रस्ट गेन करने के लिए ना अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस का लाइव फोटो, लाइव वीडियो ये होना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्लाइंट ना देख के ट्रस्ट करता है कि आप ट्रस्टेबल हो कि नहीं हो। इंडिया में बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं। तो आप जब लाइव चीज़ें दिखाते हो ना कि भाई एक्चुअल में ये इस तरीके का दिखता है, इस तरीके से हमारी सर्विस होती है, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। इसके बाद सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कस्टमर के रिव्यूज़ रखो, जो रिटर्न रिव्यूज़ होते हैं या व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स होते हैं उसको भी आप अपनी वेबसाइट पे दिखाओ, ट्रस्ट आता है उससे। आठवीं इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने बिजनेस का जो प्रोसेस होता है उसके स्टेजेस बताओ। ग्राहक को समझ आना चाहिए कि कितने स्टेज में आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट उनको मिल जाएगा। आप सीधा बताओ कि स्टेज वन सबसे पहले बुक योर ऑर्डर, स्टेज टू है आपके ऑर्डर पैक होंगे, स्टेज थ्री है शिप होंगे, स्टेज फोर में आपको प्रोडक्ट आपके घर पे मिल जाएंगे। अगर आप एक ई कॉमर्स चला रहे हो तो इस तरीके के आप स्टेजेस बना सकते हो। अगर आप कोई सर्विस वाली वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो आप लिख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरीके से लोगों को कितना टाइम लाइन लगेगा, क्या क्या लोगों को करना है, कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करना है,
ये सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है, उसको बोलते हैं हम बिजनेस प्रोसेस। अब इसके बाद नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ पॉलिसी, ये सब अच्छे से मेंशन करके रख लो ताकि कोई लीगल लफड़ा ना आए और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। और एट दी एंड जो टेंथ है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अपने ब्रांड के पीछे की एक कहानी रखो, एक स्टोरी लाइन रखो। लोग हैं ना वो स्टोरी से बहुत कनेक्ट होते हैं और स्टोरी से ट्रस्ट करते हैं, तो आपको एक कहानी रखना अपने ब्रांड के पीछे की जो स्टोरी है उसको बताना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, खासकर लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो जो भी आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हो या स्टार्टअप के लिए वेबसाइट बना रहे हो, एक ब्रांड की स्टोरी रखो, कहानी दिखना चाहिए। कहानी रहेगी तो ट्रस्ट आएगा, और ट्रस्ट आएगा तो चीज़ आपकी बिकेगी। और ट्रस्ट के अलावा आपकी वेबसाइट का जो पांचवा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि आपको रिलैक्स करना बिजनेस से, और वो होता है ऑटोमेशन के थ्रू। ऑटोमेशन मतलब आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चले, पूरा बिजनेस आपका टेक एनेबल्ड हो, पूरा बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली चले, कहीं पर भी मैनुअल इंटरवेंशन ना हो, कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के साथ वन टू वन ना करना पड़े, आप सोते भी रहें तो आपका माल बिकते रहे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं तो बैकएंड पे एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट जरूर करें। लीड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जब भी आपकी वेबसाइट पे आता है कोई और अपनी लीड छोड़ के जाता है, मतलब कोई इंटरेस्टेड कस्टमर आता है जिसका डेटाबेस आपके पास आता है, लीड मैनेजमेंट सिस्टम उसको बहुत इफेक्टिवली आपके जितने भी स्टाफ मेंबर्स है उनको एलोकेट करता है और उस लीड को ट्रैक करता है। आपको पता भी चलना चाहिए ना कि भाई जो कस्टमर आपके पास इंटरेस्टेड कस्टमर आया वो आखिर में आपका ग्राहक बना कि नहीं बना, और किसने उससे बात की, कितने समय में वो आपके जो सेल्स पर्सन है उसने उसको ग्राहक बनाया, या फिर उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। ये सारा सिस्टम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है लीड मैनेजमेंट सिस्टम से, जो आपके जितने भी कस्टमर्स आते हैं, लीड्स आती है, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसको मैनेज करता है। हम दो लीड मैनेजमेंट सिस्टम को जानते हैं जिसका रिव्यू बहुत अच्छा है, बिगिन करके एक सॉफ्टवेयर जिसको हम पर्सनली खुद ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा लीड स्क्वायर नाम की कंपनी है जो काफ़ी अच्छी है, उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी वेबसाइट पे आपको व्हाट्सएप बिजनेस API इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस भी इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कोई भी आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, व्हाट्सएप बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो सीधा आपके फ़ोन के व्हाट्सएप पे आ जाए। लेकिन क्या होता है, फ़ोन के व्हाट्सएप पे ना आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील नहीं कर सकते, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस API को यूज़ करना, जो कि बेसिकली व्हाट्सएप का एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल होता है, जिससे अगर आपके पास व्हाट्सएप पे 10,000 भी कस्टमर्स आ जाए तो आप इजीली मैनेज कर पाओ और व्हाट्सएप की कस्टमर्स को आप प्रॉपरली अपनी टीम को डेलीगेट कर पाओगे। अब ये समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से अगर आपके पास 10,000 लोग भी व्हाट्सएप पे आएंगे तो आप व्हाट्सएप बिजनेस API के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हो, इस वीडियो को जाके देख लेना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मैंने पिक्सल बताया वेबसाइट पे लगाने का, उसको अपना प्रोडक्ट पेज पे भी लगाओ। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, और फिर ऑटोमेशन के थ्रू आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा एड्स चला सकते हो। अब ऑटोमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर ना आपकी सेल्स बूस्ट होते हैं, तो ऑटोमेशन से आप क्या कीजिए कि आपके जितने भी आगे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जो भी आपके ऑफर्स होंगे अपने कस्टमर्स के लिए, वो आप प्रिपेयर करके रख दीजिए और ऑटोमेटिकली उनको थोड़े थोड़े समय पे आप कोई ना कोई ऑफर देते जाइए। इससे ये होता है कि आपके कस्टमर को जब ऑफर मिलता है तो वो इजीली आपका पेइंग कस्टमर बन जाता है। इंडिया में ऑफर्स बहुत चलते हैं, और यकीन मानिए ऑफर्स हैं तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। ऑटोमेशन पे ये चीज़ को डालना पड़ता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा गूगल और फेसबुक में अपनी वेबसाइट की थोड़ी मोड़ी ऐड चलाते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों लाखों रुपए स्पेंड करें, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा स्पेंड करना है ताकि जो भी पहली बार आपकी वेबसाइट पे आया है उसको आप बार बार अपने बिजनेस के बारे में बताओ। और इसके अलावा अगर आपको और डीप में जाके ऑटोमेशन करना है तो आपको पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको कोरियर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको ईमेल मार्केटिंग का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और भी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जिनके साथ आप अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि आपका काम ऑटोमेशन पे हो। आज की डेट में दोस्तों वेबसाइट्स इतनी पावरफुल होने लग गई है कि आप अपने पूरे का पूरा बिजनेस ऑटोमेशन के थ्रू पूरा वेबसाइट से चला सकते हो। हर चीज़ पॉसिबल हो गया है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जो आप आज के डेट में एक वेबसाइट से नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो पांचों पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये एक वेबसाइट में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बिजनेस को वो वेबसाइट ग्रो करे। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वेबसाइट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा आपके बिजनेस के लिए। अगर आप टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो एक वेबसाइट में ये पांचों चीज़ों का इक्वली होना और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बिजनेस की ऑलरेडी एक वेबसाइट है और आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप कभी भी मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी ताकि हम कंसल्टेंसी के थ्रू आपको वन ऑन वन मदद कर पाए आपकी वेबसाइट को प्रॉपर सेट करने के लिए। और अगर आप अपनी खुद की नई वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, आप पैशनेट है अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए, तो अगेन ये हमारा नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप बता सकते हैं कि आप एक नई वेबसाइट बनवाना चाहते हैं।
हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी ताकि हम आपके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी वेबसाइट डिज़ाइन कर पाए जिसमें ये पांचों चीज़ों को हम प्रॉपरली सेटअप करके रखें और आपको दें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। YouTube पे मैं वीडियोस इस तरीके की डालता रहता हूँ। इसके अलावा हमारी पूरी सोशल सेलर एकेडमी की एक एडटेक वेबसाइट है जहाँ पे बिजनेस को मार्केटिंग करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास हमारी एकेडमी में आके सीख सकते हैं और वहीं पर कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है। अगर आप मुझसे चाहते हैं वन ऑन वन कनेक्ट होना तो आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आप सभी के लिए अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।